गाइज वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। चलिए, यू वॉन्टेड टू नो अबाउट अभिरिया। अभिरिया हम करेंगे पर थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। हम देखेंगे अभिषेक जो है ना, ये काफी कंफ्यूज रहता है ये बंदा, राइट? और ये कंफ्यूज रहता है तो काज भी इसकी कंफ्यूज एनर्जी ही पिक कर सकती है ना। काज कोई अपने मन से तो एनर्जी पिक करती नहीं है, तो क्योंकि ये बंदा ही थोड़ा कंफ्यूज है या फिर काफी कंफ्यूज भी है, तो वी कैन ब्यूटिफुली चेक वॉट इज हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ टू गर्ल्स दैट ही इज यू नो पॉपुलरली लिंक्ड टू। तो अभिषेक का एक्सपेक्टेशन रिया से क्या है एंड अभिषेक का एक्सपेक्टेशन मनीषा से क्या है, एंड वेन वी नो द एक्सपेक्टेशन वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप इन अ बेटर वे। ओके, सो एंड आई डू मेक रिलेशन रीडिंग्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड नॉट टू जज थिंग्स। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द गाइडेंस। God's guardians, angels, archangel Michael, spirit, God, spirit guides. We have two cards here. Okay, the same cards that showed up in the previous reading. Maybe they were still there at the back of the deck. So we will continue to shuffle. Thank you, dear angels, for the guidance coming for the fans. Can we please know what are Abhishek's expectation of Riya? चलिए देखते हैं। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ही wants बैलेंस इन their रिलेशनशिप। ओके, टावर, टावर का कार्ड है, नाइन ऑफ सोर्ड। अभिषेक एक्सपेक्टेशन ऑफ रिया, द डेथ कार्ड इन रिवर्स, एंड द डेथ कार्ड इन रिवर्स यू हैव, इंटरेस्टिंगली इन दिस डेथ कार्ड यू हैव दिस लेडी सिटिंग ऑन द हॉर्स, right? What are his expectation of Riya? Kya expectation hai Riya se? First of all, to he wants balance in their relationship. Yahan pe interestingly, ye two of pentacles mein you have two animals over here, right? Usually ek hi banda hota hai jo apne pentacles ko balance karta hai, but yahan pe he clearly sees, you are clearly seeing two, I don't know what, I think these are wolves or what it is, maybe something, I don't know what it is, but yeah, he wants some serious kind of balance in their relationship. Interestingly, he wants both of them to work on their relationship. Do you see this, how the reading is very clear? I will show you the other card so that you have a little clarity. All right, ये सामने में मैंने आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकाला है ताकि आप चीजों को अच्छे से डीपली समझ पाइए। दिस इज द सेम कार्ड एज दिस एनर्जी वाइज, बट जस्ट विद द डिफरेंट डेक, अ डिफरेंट एनर्जी, एड ऑन एनर्जी शोज अप एंड मेक थिंग्स अ लिटिल मोर क्लियर। अब ये टू ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये वाला कार्ड हमने यूज किया रहा था तो बेसिकली द गाय वॉन्ट्स टू बैलेंस द रिलेशनशिप, थोड़ा सा बैलेंस, बैठ के बातचीत करके चीजों को ठीक करने की एनर्जी है। लेकिन क्योंकि यहां पर ये वाला कार्ड आया है तो यस, बैठ के बातचीत करने की एनर्जी है, बट हम दोनों को बैठ के बातचीत करके चीजों को सुलझाने की जरूरत है। ओके, और शायद किसी ने रिलेशनशिप को एंड किया है कि नहीं पता नहीं, डेथ का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि चीजें जो शायद खत्म सी लग रही थी रिलेशनशिप में ना, उसको हमको ठीक करने की जरूरत है। डेथ इन रिवर्स, वी नीड टू मेक अप फॉर वट एवर थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन आवर रिलेशनशिप। कुछ भी चीजें, कहने का मतलब है कि कुछ भी चीजें जो हुई होंगी, जो सही नहीं होंगी शायद इनके रिलेशनशिप में, हमको बैठ के सॉल्व करने की जरूरत है, दोनों को ही उस पर वर्क करने की जरूरत है। ये उसका एक्सपेक्टेशन रिया से है। ओके, ऑल राइट, अब दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है? Mm,
यहाँ पे डेथ का कार्ड है, अगेन द डेथ कार्ड शोड अप, और शफल करने में भी ये कार्ड शो किया था, तो दैट वॉज नॉट अ सिंक्रॉनिसिटी, दैट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज अ सिंक्रॉनिसिटी, यूनिवर्स टॉकिंग टू यू. अब टावर का कार्ड है दिल, और टावर का कार्ड विद अ हार्ट, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टावर कार्ड दैट दिस डेक हैज, एंड इन दिस टावर कार्ड देर इज नो टावर बट देर इज अ हार्ट दैट इज बींग पियर्स्ड विद द एरो. तो what is this, what is his expectation of from Rhea? Tower ka card, nine of sword, what is his expectation from Rhea? What is his expectation from Rhea, Abhishek's expectation from Rhea? Surrender to your full power. Wow, super interesting. Surrender to your power. Dono chalo, first expectation to hai ki chalo dono milke is relationship pe kaam karte hain. काफी टेंशन है शायद रिलेशनशिप में. नाइन ऑफ सोर्ड इज लाइक शी इज स्लीपिंग, समवन इज स्लीपिंग हियर. टावर, सरेंडर टू योर फुल पावर, व्हाट डज दिस मीन? Okay, give me a moment. क्या इनकी रिलेशनशिप कुछ ब्रेक डाउन हुई थी पास्ट में क्या? क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड इन रिवर्स है और शायद कुछ चीजें बिगड़ी होंगी इनके रिलेशनशिप में, मुझे तो पता नहीं है, और शायद इसीलिए वो बंदा बोल रहा है कि वो चाहता है कि ये दोनों मिलके अपने रिलेशनशिप पे काम करें, प्रॉपर गिव एंड टेक के साथ काम करें, बस एक ही कोई काम ना करें, दोनों मिलके साथ में आके काम करें, क्योंकि पास्ट में ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप काफी डिफिकल्ट या फिर एक रॉक बॉटम से गुजरी है, और शायद किसी का दिल भी टूटा है इस कुछ चीजें हुई हैं, यू नो, शायद रिलेशनशिप किसी कारणों के कारण, किसी रीजंस के कारण, ओके, एक बॉटम पे पहुंच गई थी इनकी रिलेशनशिप, ओके, और जिसके कारण काफी हर्ट भी हुआ है, और उसका एक्सपेक्टेशन है कि जो भी हर्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ सम रीजंस, किसी के कारण, क्योंकि यहां पे डेथ के कारण में एक लड़की बैठी हुई है, तो ये रिलेशनशिप जो भी एंड हुआ है, अब देखो ये रिलेशनशिप, ये टावर का कार्ड है, यहां पे टावर का कार्ड शो अप हुआ था ना, ये बेसिकली ये वाला कार्ड है, ये एनर्जी दोनों कार्ड की यही है, बट ये एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेज आया. तो ये रिलेशनशिप इन दोनों का, अभिषेक और रिया का जो रिलेशनशिप, आई डोंट नो इफ देयर रिलेशनशिप काइंड ऑफ एंडेड विद समथिंग, उनकी दोस्ती थी फिर शायद दोस्ती बंद हो गई या क्या कुछ हुआ होगा, पर जो भी है, जो भी रिलेशनशिप कुछ एंड पे पहुंची है यहां पे, क्योंकि डेथ के ऊपर एक लड़की बैठी है जो कि यूजुअली होता नहीं है, तो रिलेशनशिप जो एक एंड पे हुआ है किसी के कारण, ओके, जिसके कारण तुमको हर्ट हुआ है और इनका रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हुआ है मे बी, ओके, उस पर वर्कआउट करते हैं, जिसके कारण काफी स्ट्रेस बना, ओके, जिसके कारण काफी ये जो रिलेशनशिप टूटा, ये जो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हुआ, हर्ट हुआ बिकॉज ऑफ समबडी मे बी, लेट्स, काफी स्ट्रेस हुआ है उस पे, चलो बात करते हैं, यू नो, वी नीड टू वर्क आउट ये दोनों एनर्जीज जो हुई हैं पास्ट में जिसके कारण रिलेशनशिप सफर हुआ है, लेट्स वर्क ऑन दिस, एंड इट्स लाइक यू सरेंडर टू योर फुल पावर, योर लाइफ इज कॉलिंग टू यू,
Your life is calling for you to step into your full power rather than playing it small. यानी कि वो चाहता है कि तुम मुझसे नजरें मत छुड़ाओ, something like this, you know, because he wants her to surrender to full power. And I don't know if she is very readily, she accepts his love or what it is, but वो चाहता है कि वो खुल के आके इसके सामने मैंने उससे नजरें नहीं छुराए, अपनी बातों को ना छुराए, बातों को ना छुपाए, वो जो भी है ना फुल सर्कल आके उसको बताए जो भी है, और आके दोनों मिलके फिर चीजों पे बात करें. जो भी हर्ट हुआ है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी है पास्ट में किसी चीज के कारण, उस पर दोनों मिलके काम करें. और वो बेसिकली अपनी बातों को, अपने मे बी कुछ फीलिंग्स है या जो भी शिकवा शिकायत है उसको शेयर करें. बेसिकली फुल थ्रॉटल आए और अपने आप को एक्सप्रेस करें. जो भी है, जो भी होगा, हर्ट होगा, स्ट्रेस आउट होगा, गिले शिकवे होंगे, चीजें वर्कआउट नहीं हुआ, कोई रीजन है प्रॉब्लम्स का, हम उस पर बात करेंगे. दिस इज हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिया. हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिया. कैन वी प्लीज गेट सम गाइडेंस योर एंजल्स. Thank you so much for this guidance. Accept heaven's help. Do you see this, how it is matching? Let's talk it out. Accept my help. You know, jaise ki I want to work. See, accept heaven's help in what? Whatever, jaise ki koi baat, koi cheez hui hai, jiske karan relationship गड़बड़ हो गया, बात नहीं हो रही है उनकी, या जो भी है, कोई भी रीजन होगा उसका, या फिर ये बंदा उसको बोल रहा है कि जो भी चीजें हुई हैं जिसके कारण से हमारा मनमुटाव हुआ, बातें नहीं हो रही हैं, या तुम जो भी सोच के बैठी हो, जो भी है जिसके कारण हर्ट हुआ, स्ट्रेस आउट हुआ है, यू टॉक टू मी. ओके, जो भी है अपने आप को एक्सप्रेस करो. अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो भी एक्सप्रेस करो. तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, उसको एक्सप्रेस करो. लेट्स वर्क ऑन दीज थिंग्स दैट यू हैव एंड एक्सेप्ट माई हेल्प. You have prayed for help, so get out of your own way and let the heavens help you. यानी कि अगर feelings है, अगर तुम relationship पे workout करना चाहती हो, चाहे तो तुम्हारे कोई भी issues होंगे, कोई भी गिले शिकवे होंगे, कुछ भी है, let's work it out. मैं जो भी है, जितना भी है, अपना problem solve करने की कोशिश करूंगा, या जो भी है, whatever it is. But basically, he is like, you know, जो भी issues है, let's talk it out. Except, I am open to talking it out. Let's talk it out. समझ में आ गया ना? इट इज वेरी क्लियर. लेट्स वर्क ऑन द रिलेशनशिप. एंड क्योंकि एक बंदे के साथ, एक बंदा ही तो हर चीज. अब दो लोगों में प्रॉब्लम है. अब किसी को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को लेके प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है, किसी के दिमाग का भी फितूर हो सकता है. जैसे कि पिछले वाले रीडिंग में देखा था ना, खुद ही नेगेटिव 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 थॉट्स हो गए थे. अब यहां पे क्योंकि क्लियरली एक डेथ हॉर्स पे एक लेडी है, तो हो सकता है कुछ लेडी के कारण, हो सकता है मनीषा के कारण कुछ यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ है, आई डोंट नो. It could be because this is what it is showing. और यहां पे है ना कि basically जो भी तुम, जैसे कि यहां पे देखो ये बहुत peacefully या फिर बहुत आराम से, हालांकि stress में है, पर वो दिखा नहीं रही है कि वो stress में है. अगर दूसरा नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड देखोगे तो वो बंदा बहुत ही परेशान रहता है, स्ट्रेस्ड आउट रहता है. लेकिन ये है कि दिल की इतनी स्ट्रेस में है शायद वो, इसका एक्सपेक्टेशन है. वो स्ट्रेस में है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन ये उसको देख रहा है कि शी इज वेरी स्ट्रेस्ड आउट. और तुम अपनी स्ट्रेस आउट ना, जो तुम स्ट्रेस्ड हो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है मेरे को लेके, वो तुम एक्सप्रेस नहीं कर रही हो, तुम चुपचाप हो. दिस इज हिज पर्सपेक्टिव, नॉट माई पर्सपेक्टिव, नॉट मे बी हैपनिंग इन हर लाइफ, बट दिस इज हाउ ही इज सीइंग हर. कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, तुमको प्रॉब्लम्स तो है, किसी चीज की गिला, किसी चीज का गिला शिकवा तो है, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, जो भी है, यू टॉक इट आउट. जो भी है बात करो आके, लेट्स वर्क इट आउट. Surrender yourself, express yourself, accept my help. I want to work this relationship out. अब समझ में आ गया ना कि क्या है. Okay, so next reading में we will see his expectation of Manisha and get more clarity. See you there.